गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5 बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की क्लास में इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट का आज लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग डेवलपिंग रिकॉर्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो देखिए जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है वो क्या होती है और किस तरह से कार्य करता है। आज का जो टॉपिक हमारा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेवलपिंग रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, मींस रिकॉर्ड को कैसे रखा जाता है या रिकॉर्ड को कैसे रखा जाना चाहिए, उसे हम कैसे डेवलप करेंगे। गुड रिकॉर्ड कीपिंग कैन हेल्प योर यू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। यदि आप अपने दस्तावेज रिकॉर्ड का जो रख रखाव है वो सही तरीके से करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को सिक्योर कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। मेजर योर परफॉर्मेंस एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। अच्छे रिकॉर्ड रखने से हमें हमारे व्यवसाय को प्रोटेक्ट करने, अपने परफॉर्मेंस को मापने, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन से हम कैसा प्रदर्शन कर पाए हैं, तथा हमारे लाभ को कैसे अधिक से अधिक किया जा सके, उसके लिए आपके रिकॉर्ड कीपिंग आपकी मदद करते हैं। रिकॉर्ड्स आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक दैट स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन डेट्स एंड अमाउंट्स लीगल एग्रीमेंट्स एंड प्राइवेट कस्टमर एंड बिजनेस डिटेल। जो रिकॉर्ड के स्रोत होते हैं, जो दस्तावेज उन्हें भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो लेन देन की तारीखें और अमाउंट्स होते हैं, उन्हें कानूनी समझौते और निजी ग्राहक के द्वारा जो व्यवसायिक विवरण होते हैं, उन्हें उन डिटेल्स को हम अपने रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। हमने क्या लेन देन किया, हम किसके साथ कितने का लेन देन किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो चाहे वो फिजिकली तरीके से हो, उसकी तारीख, कितने रकम हमने दिया, ठीक है,
एग्रीमेंट्स, अगर हमने कोई रकम लिया है दिया है तो उसका लीगल एग्रीमेंट्स क्या होगा, ये सारी चीजें हमें सुरक्षित रखना पड़ता है जो समय आने पर समय पड़ने पर हमारी मदद करती है। ये रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम मैनुअल और ऑटोमेटेड सिस्टम, जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है, जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है वो या तो मैनुअली हो सकता है या फिर ऑटोमेटिक। मैनुअल का मतलब, मैनुअल मतलब मतलब हम जिसको मैनेज करते हैं, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित। तो या तो ये मैनुअल हो सकता है या स्वचालित हो सकता है, जो डेटा को मेंटेन करता है। अब डेटा को क्या क्या करते हैं, पहला सबसे पहला है डेटा को कलेक्ट करना। यदि हमारा डेटा कलेक्ट नहीं होगा, जब तक डेटा को हम कलेक्ट नहीं करेंगे, एकत्र नहीं करेंगे, तो हम कॉन्फिडेंटली ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही। तो डेटा को हम कलेक्ट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज। दूसरा आयोजित करना, मतलब डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको सही तरीके से, सही वे में, सुव्यवस्थित रूप से, हमें उसे क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, आयोजित करना पड़ता है। कैटेगराइज रिकॉर्ड्स मीन्स हमारे द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा, जब हम उसको एक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उन रिकॉर्ड्स को कैटेगराइज करने की जरूरत पड़ती है। कौन सा रिकॉर्ड किस डिपार्टमेंट का है, डेट वाइज, मंथ वाइज, डिपार्टमेंटल वाइज, ये निर्भर करता है हम पे। जैसे आपने देखा होगा हमारे किचन में ढेर सारे डिब्बे रखे होते हैं, उन डिब्बों के अंदर क्या है, हम क्या करते हैं, चिट लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है इस डिब्बे के अंदर ये चीज। तो मतलब हमें क्या करना, डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से क्या करना, कैटेगराइज करना, वर्गीकृत करना, क्लासिफाइड करना, ठीक है। चौथा है फैसिलिटेटिंग देयर प्रिजर्वेशन, मतलब उनको प्रिजर्व करना, उनको संरक्षित करना। ऐसा ना हो कि भाई डॉक्यूमेंट्स लेकर रख लेना बस सही नहीं है, उन डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो वो रिकॉर्ड्स खराब हो जाएंगे, और रिकॉर्ड खराब होंगे तो गलती होगा, तो नुकसान किसका होगा, आपका होगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स को प्रिवेंशन करने की हमें फैसिलिटी, हमारे पास सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिट्राइवल, मतलब रिट्राइवल का मतलब यहां पे क्या है, जरूरत पड़ने पर उन रिकॉर्ड्स को हम उसी मूल स्वरूप में ला सके और समय रहते उसे प्राप्त कर सके, वो क्या कहलाता है, रिट्राइवल, मतलब बहाल कर। भाई हमने रख दिया, हम एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाके रख दिया, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह रखना बस महत्वपूर्ण नहीं है, उस रिकॉर्ड को जब वापस उसके मूल स्वरूप में लाया जाए वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यूज, उनका उपयोग करना, भाई जो डेटा होगा समय रहते उनका उपयोग भी तो होना चाहिए, हम समय समय पर उनका उपयोग करते हैं, उन्हें अपने तरीके से। डिस्पोजिशन, मतलब डिस्पोजिशन का मतलब होता है हम उन रिकॉर्ड को उन्हीं के तरीके से क्या कर देते हैं, मैनेज करते हैं, उन्हीं के तरीके से मैनेज करते हैं, जो रिकॉर्ड जिस तरह का है, जो रिकॉर्ड जैसा कार्य करेगा वैसे उसे।
बेनिफिट्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, मतलब बेनिफिट होना चाहिए जो, तो क्या क्या बेनिफिट्स उसके साथ हैं, ठीक है, वो बेनिफिट्स हमको मालूम होने चाहिए। तो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट्स, तो आइए देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के हैं, क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला लाभ, प्लान एंड वर्क मोर इफिशियंटली, जो हमारा कार्य होता है वो बहुत ही इफिशियंट रूप से हो जाता है, कुशलता से हो जाता है। प्लानिंग करते हैं और सरलता एवं कुशलता पूर्वक उस समस्या का समाधान कर देते हैं, जो समस्या थी उस समस्या का समाधान सफलतापूर्वक हम कर देते हैं, कुशलतापूर्वक मैनेज करते हैं। ये इसका पहला नाम। मीट लीगल एंड टैक्स रिक्वायरमेंट, भी जो हमारे पास लीगल कानूनी रूप से बने हुए कागज है, जो टैक्स डिपार्टमेंट्स के दिए हुए कागज है, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को, उन सारी आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड हमारे पर रखना पड़ेगा। मान लीजिए हमने इस साल का टैक्स दिया, अब जब ये टैक्स हम देंगे, मान लीजिए फ्यूचर में कभी कोई ऐसा आ जाता है कि उस साल या कोई लीगल नोटिस आपके पास आ जाती है कि आपने टैक्स चोरी किए, तो आपके पास वो रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि आप ये प्रूफ कर सके कि हमने जो हमारे पास था वो हमने आपको दे दिया, और लीगल एग्रीमेंट यहाँ पे क्या है, मीन्स आपने किसी से लीज पे कोई सामान लिया, उधार पे लिया है, लेकिन उसके लिए कोई कुछ ना कुछ आपने रखा है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सुरक्षित रखे होने चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे ना तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस, मतलब आपने आपके बिजनेस में या आपने जो भी काम किया है, आप प्रॉफिट कैसे मापते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है वे सारे खर्चे निकालने के बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके इन्वेस्टमेंट हो मतलब उसके सेल होने के बाद जो भी रकम आपके पास आती है, तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट अलग कर देते हैं, फिर जितने भी खर्चे हैं वो अलग कर देते हैं, देन जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल सिनारियो ये है कि प्रॉफिट और साथ में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक। लीगली तौर पर अगर देखा जाए तो आपको लोग क्यों पसंद करेंगे, आपको लोग तब पसंद करेंगे ना, इसलिए पसंद करेंगे ना जब आपका प्रदर्शन अच्छा हो। यदि आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा तो लोग आपको क्यों पसंद करेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम व्यवसायिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारा जो मेजरमेंट्स है वो उसका रिकॉर्ड्स रखना हमारे लिए महत्व। जनरेट मीनिंगफुल रिपोर्ट्स, जब भी कोई रिपोर्ट्स तैयार करे तो हमेशा क्या होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल ऐसा नहीं कि रिपोर्ट्स आप तैयार करके रख दें, ठीक है, और उस रिपोर्ट्स को हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, जब तक
हम रिपोर्ट को सही तरीके से, भाई एक कहावत है कि हम कोई चीज करते हैं लेकिन समझ में किसी और को आता है तो उसका क्या मतलब। सबसे पहले तो हमने जो किया है पहले हमको समझ में आना चाहिए, देन इसके बाद हम किसी और को समझाने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्ट योर राइट्स। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें हमारे अधिकारों की रक्षा करना है, हमारे जो राइट्स हैं, जिन राइट्स का हम जिन राइट्स को हम लोग जानना चाहते हैं, जानते हैं, यदि हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने अधिकारों की रक्षा करना है। छठवां है, मैनेज पोटेंशियल रिस्क। संभावित जो खतरे होते हैं, जोखिम होते हैं, उनका प्रबंधन भी पहले से कर लेना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी भी कार्य को जब शुरू करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके एडवांटेजेस के बारे में सोचते हैं, उसके एडवांटेज की तरफ ही जाना चाहते हैं। हम कभी भी उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में नहीं सोचते, जो हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हम इतने अभ्यस्त नहीं होते हैं, हमारी सोच इतनी वाइड नहीं होती है जिससे हम ये कह सके कि हम आने वाले खतरों को हम अपने हिसाब से मैनेज कर लें। तो किस कोई भी जो पोटेंशियल है, जो रिस्क है, उनको प्रोटेक्ट करना मीन्स खतरा आएगा उसको इस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो पूरा मैनेज करने का जो तौर तरीका है हम पहले से उसको बिल्कुल प्रिपेयर कर दें। नेक्स्ट है, प्रिपेयर बजट। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको बजट तैयार करना आना चाहिए। किसी आदमी से पूछो, भैया ये काम कितने में होगा, बोला अरे इतने में हो जाएगा। पता चला जब वो काम करने बैठते हैं तो जितना उसने बताया उसका 2 गुना लगता है, या जितना उसने बताया है उसके आधे में हो जाता है। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब तक आप बजट प्रिपेयर नहीं करेंगे, बजट को नहीं बनाएंगे, पूरा लिखित में नहीं रखेंगे, कब क्या कैसे कहाँ कैसे क्या किस तरह से खर्च होना है, उन खर्च को कैसे मैनेज करना है, मैनेज करने के बाद उन्हें हम, चूंकि बजट जब हम बनाते हैं तो हमारा उसमें सारे खर्चे उसमें जुड़े होते हैं। क्योंकि हम अलग से उनसे नहीं कहते कि भैया इतना इस पे खर्चा आएगा और इतना मेरे को फायदा होगा, हम ये नहीं बताते। हम सीधे ये बजट आएगा, इस बजट में आपको ये चीजें मिलेंगी, आप बताइए करना हो तो ठीक है, अदरवाइज। नेक्स्ट है, फेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। तो जोखिम से और अनिश्चितताएं उनका सामना करना सीखें। क्योंकि कभी भी कोई भी आपदा बताकर नहीं, कोई आपदा बताकर नहीं आती, इतनी में आने वाली हूं, आप सजग हो। आपको उन जोखिमों को और उन अनिश्चितताओं का सामना करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक आप उन अनिश्चितताओं से लड़ना नहीं सीखेंगे, उन अनिश्चितताओं को मैनेज करना नहीं सीखेंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो आप फेस करना सीखिए समस्याओं का, क्षमता, समस्याओं से भागने मत, उनका सॉल्यूशन ढूंढिए। ठीक है, समस्याएं क्या है, उनका तो काम है आना, ठीक है, लेकिन हमारा काम है उन समस्याओं को वापस भेजना। नेक्स्ट,
इनोवेट एंड एक्सपैंड एक्टिविटी, जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज है, उनमें समय समय पर इनोवेटिव करते रहो, मतलब नए नए इन्वेंशन होनी चाहिए, नई नई चीजें ईजाद करनी चाहिए। जब आप नई नई चीजें ईजाद करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं, तो रिपीटेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती। भाई मान लीजिए कहीं एक प्रोग्राम आपने किया और उस प्रोग्राम में कई लोग आए, सेम वही पैटर्न आपने दूसरे प्रोग्राम में कर दिया, वो लोग वहां भी पहुंच गए, तो उससे क्या होगा, आपकी मार्केट खत्म होती है, आपकी मार्केट खराब होती है। आपको क्या करना है, आपको नए नए इनोवेशंस के बारे में हमेशा नई नई चीजें, नए नए सोच जब आप रखेंगे, नए नए सोच को आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप जो चाह रहे हैं या जो आप मैनेज करना चाहते हैं वो आपको बेनिफिट से होगा। तो ये था रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम ऑफ बेनिफिट्स। तो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम्स के लाभ थे, तो ये पूरा टॉपिक था आपका डेवलपिंग रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। हम रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम्स क्यों डेवलप करते हैं, क्या इसका हमारे लिए महत्व है, तो ये आज की क्लास थी। और किसी को कोई प्रॉब्लम, क्यों अमित कहाँ थे अभी तक तुम? सर तबीयत खराब हो गई थी। अरे तो तबीयत खराब हो गई तो कौन सा कॉलेज जाना था यार, पढ़े पढ़े तो मोबाइल सुनना था। हा? अब आज तुम आए तो वो नहीं आया, क्या नाम है उसका, विपुल, रोज विपुल डेली सर ज्वाइन करूंगा। अच्छा नहीं नहीं वो अभी रोज, कल तक विपुल ज्वाइन कर रहा था, मैंने बोला अमित कहाँ है, बोले सर वो कहता मुझे नहीं लेना है, मैंने कहा ठीक है। और आज तुम ज्वाइन कर लिए तो विपुल गायब है। चलो ठीक है, तो गांव जा रहा है बोल रहा है। अच्छा वो गांव जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये अमित, ये जो भी 9-10 वीडियो है इनको देखना, कहीं किसी कोई प्रॉब्लम हो तो इनको सॉल्व करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें नई यूनिट का पहला टॉपिक स्टार्ट करना। ओके थैंक यू।